हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं एलोजुवीन को रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो आज मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको। ये सकुलेंट फैमिली से ही है, इसमें पानी बहुत कम और धूप अच्छी होनी चाहिए और इसकी मिट्टी सैंडी सॉइल होनी चाहिए। आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं या कंपोस्ट मिला सकते हैं या पत्तियों की बनी खाद सबसे बेस्ट रहती है। तो आप इस तरह से इसे टैप कर लीजिए जिससे कि इसमें कोई एयर पॉकेट ना रहे और कोई टुकड़े वगैरह है वो भी निकाल दीजिए मोटे, क्योंकि इनकी रूट फिर वहाँ अटक जाएंगी, आगे बढ़ेंगी नहीं। तो ये है मेरा एलोजुवीट, कुछ एलोवेरा का ही लुक दे रहा है, देख रहे हैं आप। ये इसे साल में एक बार रिपोर्ट जरूर करना चाहिए, पर मेरा तो ये अभी जल्दी का लाया हुआ है, 2 महीने ही हुए ऐसे लाए हुए। और ये मेरे इसमें मैं लगा देती हूँ पत्ती है, ये मेरी पूरी ट्रॉली है जिसमें मैं सारे अपने प्लांट रख लगा देती हूँ सकलट के। और ये देख लो, ये है बिल्कुल एलोवेरा जैसा ही लुक देता है, मगर ये एलोवेरा जुबीन है। एलोवेरा में एलोवेरा में भी बहुत ढेर सारी वैरायटी है, कई एक वैरायटी है। एक वैरायटी मैंने जस्ट इससे पहले दिखाई थी जब मैंने शुरू किया था वीडियो, तभी देखा तो वो अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। बस थोड़ा सा एलो तो आगे लगेगा ही, नाम पीछे चेंज हो जाते हैं। तो ये एलोवेरा एलो ही है, एलो जुबीन। और ये देखिए, इसमें कुछ सैंड भी मिली हुई है, कंपोस्ट भी मिली हुई है, किसी में लगा था तो मैं इसी में ही लगा दूंगी इसे। और इस तरह से होल करके इसकी रूट के साथ में इसे शिफ्ट कर दूंगी। और इसे प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, इसका ये जो छोटा सा बेबी प्लांट है इसमें पप्स निकलते रहते हैं, तो इन्हें अलग करके लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके ऊपर की कम से कम 4 पत्तियाँ 5 पत्तियाँ वो न्यू ग्रोथ है और ये बेबी पप्स भी निकला है, तो ये 5 महीने में ये ग्रोथ इसकी हुई है। बारिश के दिनों में तो मैंने बहुत छुपा छुपा के रखा था, ये ट्रॉली के नीचे रख देती थी, तो नीचे वाले पोर्शन में रख देती थी बारिश होती थी, तो बच पाया ये बहुत मुश्किल से। और पानी बहुत कम डालना है, मॉर्निंग की धूप देनी है इसे, सुबह की अच्छी धूप मिल जाए। और अंदर भी लगा सकते हैं, मगर साउथ की जो विंडो होती है उस पर लगाइए जिससे कि सामने से धूप इसे मिल सके इसे, तो अच्छे से ग्रो करेगा। घर में भी अगर इसे धूप भी चाहिए होती है, गर्मियों की तीखी धूप नहीं चाहिए, मगर इवनिंग की शाम की अच्छी ठंडी धूप चाहिए। और ये मेरा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो मैं इसमें डालूंगी, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी ग्रोथ कर देता है इसकी, मैं वही डालती हूँ इसमें, पानी नहीं डालती हूँ। और फर्स्ट लगाया तो मैं अच्छे से पानी डालूंगी इसमें, जिससे कि खूब अच्छे से इसे पानी रूट तक पहुँच जाए। फिर मैं तभी पानी डालूंगी जब इसकी ऊपर की एक लेयर सूख जाए, क्योंकि सकुलेंट फैमिली से है तो पानी कम ही डालना है, ज़्यादा पानी पड़ गया तो ये मर जाएगा। तो इतनी केयर इसकी करनी है, धूप और पानी का ध्यान रखना है। मैं पानी तो बिल्कुल नहीं डालती सकुलेंट में, बस मैं अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ जब सूख जाते हैं प्लांट की मिट्टी तो। और इसे मैं यहाँ पे रखूँगी जिससे मॉर्निंग की धूप मिलती रहे, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में नहीं रखूँगी क्योंकि नीचे हवा नहीं लगेगी, मैं ऊपर वाले ही पोर्शन में रखूँगी। और ये भी येलो ही है, मगर ये अलग वैरायटी है, इसकी मैं गुड़ाई कर देती हूँ इस तरह से। और ये भी मैंने अभी जल्दी में रिपोर्ट किए थे, सारे प्लांट में रिपोर्ट कर रही हूँ इस समय। अपने सकुलेंट फैमिली के जितने भी प्लांट हैं इन्हें रिपोर्ट कर दीजिए, खाद लगा दीजिए, क्योंकि बरसात के दिनों में हम ना खाद लगा पाए ठीक से इनमें, ना ही केयर कर पाए। ये भी मैंने रिपोर्ट किया है अभी जल्दी में, ये वाले रिसेंटली कल शाम को किया था। सभी प्लांट की मैं खाद लगा लगा के रिपोर्ट कर दे रही हूँ, अच्छे से ग्रोथ भी होगी इनकी। ये देखिए, ये भी मैंने रिपोर्ट किया है, सूखी मिट्टी है बिल्कुल। तो ये मेरा यहाँ पे मैं अपने सारे सकुलेंट की वैरायटी रखती हूँ, कोशिश करती हूँ नीचे वाले पोर्शन में ना रखूँ क्योंकि वहाँ हवा नहीं लगती इतनी। और ये ऊपर वाले पोर्शन में भी लगा रखी है, सारे पत्तियों से ही प्रोपेगेट किए हैं। और ये मेरे बरसात के दिनों में मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, बस बहुत मुश्किल से जैसे फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ मैंने इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी निकाल के रख दी थी, तो ये इतने बड़े प्लांट हो गए। ये सारी पत्तियों से प्रोपोगेट किए हुए हैं प्लांट, तो सकुलेंट फैमिली को आप पत्तियों से भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी इसके साथ मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।